जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद बन गई है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं से मिली कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है और ब्रेंट क्रूड एक बार फिर $100 प्रति बैरल के स्तर से नीचे पहुंच गया है। हाल ही में आए अमेरिका, यूरोप और चीन के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के देश मांग में कमजोरी की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा है। फिलहाल निवेशकों की नजर इसी हफ्ते होने वाली ओपेक देशों की बैठक पर है, जिसमें सप्लाई बढ़ाने को लेकर चर्चा होनी है। अनुमान है कि अगर मंदी की आशंका बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी, जिसका फायदा घरेलू तेल उपभोक्ताओं को मिल सकता है। वहीं ब्रेंट क्रूड फ्यूचर $3.94 प्रति बैरल यानी 3.8% की गिरावट के साथ $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच बंद हुआ है। वहीं कारोबार के दौरान कीमतें $99.09 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंचती दिखाई दी। वहीं WTI क्रूड $4.73 प्रति बैरल की गिरावट के साथ $93.89 प्रति बैरल तक पहुंच गया। रॉयट्स के मुताबिक इस स्तर से नीचे आने पर क्रूड में और गिरावट देखने को मिल सकती है। जुलाई में लगातार दूसरे महीने ब्रेंट और WTI नुकसान में बंद हुए। क्रूड में गिरावट की वजह से रॉयट्स के पोल में कच्चे तेल के लिए 2022 के औसत कीमत को अनुमान घटा दिया गया है। फिलहाल कारोबारियों की नज़र ओपेक देशों की बैठक पर है। इसी हफ्ते वो सितंबर में उत्पादन बढ़ाने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। रॉयट्स की रिपोर्ट में दो देशों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस बैठक में उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा होगी। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि ओपेक देश आने वाले समय में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल देश की तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नुकसान हो रहा है। कीमतों में कमी आने पर उनके नुकसान की भरपाई होगी, जिससे आगे कीमतों में कटौती की संभावना बन सकती है। पिछले दो महीनों से ज्यादा वक्त से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल, जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।